वकील साहब, जिला एवं सत्र न्यायाधीश का एक फैसला आया है, पत्नी हंता को आजीवन कारावास और अर्थदंड की सजा सुनाई गई, क्या है पूरा मामला? ये पूरा मामला है कि रमेश राम ने अपने पत्नी को, जो नारायणपुर का रहने वाला है, ये बेरहमी से जो है गणासी से काट कर हत्या कर दिया था। रमेश राम का दो छोटे छोटे बच्चे हैं, उसने जो है माँ का संरक्षण छीन लिया, और आज माननीय अदालत ने जो फैसला सुनाया है बहुत सही सुनाया है, और इससे जो है ये समाज में ये जितने अपराधी हैं ये एक अच्छा संदेश जा रहा है, क्योंकि जो है इसमें जो है कुल 8 साक्षियों को जो है मैंने जो है माननीय न्यायालय में परीक्षित किया था, और जिस पर न्यायालय ने विश्वास करके और सजा सुनाया। ये कहाँ का मामला था? ये मामला जो है ये नारायणपुर का रहने वाला रमेश राम है, और लड़की थी कामूपुर की। पिता ने जो है तहरीर दिया था, सूचना मिला कि ऐसा ऐसा रमेश राम के छत पर वो सोई थी, और वो भी सोया था, और हत्या करने के बाद जो है भागा, और जैसे ही गांव वालों के द्वारा सूचना मिली वैसे ही जो है थाने करमदीनपुर के द्वारा FIR पंजीकृत की गई, और विवेचक द्वारा जो है बहुत बढ़िया विवेचना की गई, और तब जा करके ये जो है ये अपराधी जो है पकड़ में आया, और जो है माननीय न्यायालय ने सजा सुनाया जो सराहनीय है, और ऐसे ही जनपद और प्रदेश के क्या सजा सुनाई है? आजीवन कारावास और 5,000 रुपये जुर्माना, न अदा करने पर 6 माह का अतिरिक्त सजा भुगतना पड़ेगा।